जब भी किसी को जज के द्वारा फांसी की सजा सुनाई जाती है तो उसके बाद जज अपनी कलम को तोड़ देते हैं। लेकिन क्या आप इसके पीछे का कारण जानते हैं? अगर नहीं तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिरकार जज फांसी की सजा सुनाने के बाद पेन की निब क्यों तोड़ देते हैं। सजा और कलम, इन दोनों में गहरा नाता है। फांसी की सजा सुनाते ही कलम तोड़ने की प्रथा आज से नहीं बल्कि अंग्रेजों के जमाने से चल रही है। जब भारत में ब्रिटिश की हुकूमत थी तभी भी सजा सुनाने के बाद कलम को तोड़ दिया जाता था। आपको बता दें कि सजा और कलम दोनों में एक काफी गहरा संबंध है ताकि फिर किसी को फांसी की सजा ना मिले। जिस तरह कलम से लिखी हुई कोई बात मिटा नहीं सकता उसी तरह कोर्ट के द्वारा दी गई सजा को कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। जिस कलम से आरोपी को फांसी की सजा सुनाई जाती है उसे जज द्वारा इसलिए भी तोड़ दिया जाता है कि दोबारा इस कलम से किसी को भी फांसी की सजा ना मिल सके और कोई फिर से अपराध ना करे। अपने आप को प्रायश्चित कराने के लिए फांसी की सजा सुनाने से पहले उस सजा पर जज के द्वारा जिस कलम से हस्ताक्षर किया जाता है उसे तोड़ने का कारण ये भी माना जाता है कि यही कलम है जिसने उस शख्स की मौत लिखी है। वो किसी की भी जान लेने के कारण अपने आप को प्रायश्चित कराने के लिए जज के द्वारा कलम की निब तोड़ दी जाती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।